लोकल फॉर वोकल के नारे को साकार करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए देश के कृषि संस्थान तेजी से आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र में 40 लाख रुपए की लागत से गन्ना टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है। इस लैब का उद्घाटन राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के निदेशक बख्शी राम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस लैब की स्थापना से उत्तर पश्चिमी राज्यों के गन्ना किसानों को काफी फायदा होगा और उन्हें बीमारी रहित के साथ साथ अधिक उत्पादन देने वाले बीज की किस्में उपलब्ध हो पाएंगी। बख्शीराम ने कहा कि गन्ना बीजों की गुणवत्ता बरकरार रखने और स्वस्थ बीज की कमी दूर करने के लिए ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि टिश्यू कल्चर विधि से प्रजनन करने पर बीज स्वस्थ हो जाता है और उसमें कोई बीमारी का प्रकोप नहीं होता। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की दवा का खर्च कम होगा। यही नहीं, इस विधि में एक ही टिश्यू कल्चर से कई गुना पौध तैयार हो जाती है, जिससे किसानों के उत्पादन में वृद्धि होगी। निदेशक ने बताया कि इसके अलावा क्षेत्रीय केंद्र करनाल गन्ना किसानों को अपनी फसल से उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी देगा, जिससे किसानों की आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। उत्पाद के तौर पर संस्थान में गन्ने से गुड़ व शक्कर तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए यहां पर रसायन रहित गुड़ बनाने की इकाई शुरू हो चुकी है और स्थानीय स्तर पर इसकी बिक्री भी शुरू कर दी गई है। इससे न केवल छोटे स्तर की एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, अपितु किसान स्वयं आसानी से मार्केटिंग कर अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। आज हमने इस केंद्र के ऊपर जो टिश्यू कल्चर लैब है, माइक्रो प्रोपेगेशन लैब है, उसकी शुरुआत की है। उसका फायदा ये होगा कि जैसे ये गन्ने का ऊपरी हिस्सा है, इसके गन्ने का नीचे वाला हिस्सा तो बीज के अंदर वैसे ही आम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो अगोला जो चारे में यूज होता है उसको भी कैसे फास्टर मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादा तेज़ी से बीज तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ये लैब खोला है। और इसको छीलने के बाद, जैसे ये छील के पत्ता निकाल दिया तो आखिर के अंदर ये टॉप में ये निकलता है, जिसको मेरिस्टेम बोलते हैं। इस मेरिस्टेम का कल्चर करके लैब के अंदर और फिर अलग अलग स्टेज के ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद वो रूटिंग मीडिया में डाल के उसके रूट आएंगे पौधों के, फिर उसका हार्डनिंग होगा, हार्डने के बाद फिर वो खेत के अंदर लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से करीब 6 महीने तक, यदि एक इस मेरिस्टेम को लेके 6 महीने के अंदर करीब 2 लाख पौधे गन्ने के तैयार हो सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे बीमारी के जीवाणुओं से मुक्त होंगे, फ्री होंगे, कोई उसमें नहीं होगा। बैक्टीरिया फंगस तो गर्म करके भी ख़त्म किया जा सकता है गन्ने के अंदर से, परंतु वायरस एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती है। तो इस विधि से वायरस भी जो है, मुझे कहे येलो लीफ डिजीज है उसका जो वायरस है, उसको भी इस विधि से बिल्कुल ख़त्म करके हेल्दी जो पौधे हैं, बीज है, वो तैयार होगा, जो कि किसानों को दिया जाएगा। क्या फ़ायदे होंगे सर किसानों को? किसानों को फायदा ये होगा कि शुद्ध बीज होने के कारण जो धीरे धीरे, जैसे सालों एक ही वैरायटी का बीज काट के बोने से उसकी पैदावार में कमी आती है, तो यदि इस विधि से तैयार करेंगे तो जो रिलीज के टाइम में जो उसका पोटेंशियल था, पैदावार थी, वो फिर से उसी लेवल के ऊपर वो पैदावार किसानों को मिलेगी। शुद्ध बीज होगा, पैदावार को मेंटेन करने में उसका सहायता होगा। तो जो बीज डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरे खर्चे आते हैं, उस खर्चों में कमी आएगी। तो गन्ने की खेती सर कहीं ना कहीं अब किसान नहीं करते, लगभग ज़्यादा फसल की तरफ नहीं ध्यान देते, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गन्ने की खेती किसान नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो पिछले साल गन्ने का जो टोटल एरिया था वो 4.87 मिलियन हेक्टेयर था, जो अभी करंट सीजन के अंदर 5.23 मिलियन हेक्टेयर है। तो गन्ने का एरिया उसी रेंज के अंदर है, करीब करीब 5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास गन्ने का क्षेत्रफल रहता है। तो हो सकता है किसी कारणों से किसी स्टेट के अंदर कम हो रहा है तो दूसरा उसको कंपनसेट कर लेता है, तो ओवरऑल देश के अंदर गन्ने का एरिया उसी रेंज में है। यदि मान लीजिए सर 4.8 मिलियन से लेकर 5.2 मिलियन हेक्टेयर तक है। एक तो ये तरीका हो गया, अभी गन्ने का कैसे ज़्यादा मात्रा में गन्ने का बीज, शुद्ध बीज इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए क्या है, जो गन्ने का नीचे वाला पोर्शन है उसमें से एक आँख का टुकड़ा काट के
उसको कोको पीट में लगा के उससे पौध तैयार करके लगाते हैं। तो उससे जो मल्टीप्लीकेशन आम तौर पे 1 क्विंटल से 10 क्विंटल होता है एक साल में प्रोडक्शन, वो 1 क्विंटल से 40 क्विंटल तक किया जा सकता है, 40 या 50 क्विंटल तक भी ले सकते हैं यदि अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए तो। परंतु उसके लिए प्रॉपर जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट बाहर नहीं होती है, खासकर सर्दियों के मौसम में। तो उसके लिए हमने एक ग्रोथ चैम्बर भी यहाँ इस्टेब्लिश किया है और उसको भी चालू किया है। तो सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर कम है तब भी हम उसके अंदर वो ट्रे वगैरह रख के जो एक आँख से जो पौधे तैयार करने हैं उसको तैयार कर सकते हैं, और जमने के बाद 1 वीक के बाद उसको बाहर निकाल के रख दे तो भी वो चल जाता है। तो ये दो चीज़ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे किसानों को शुद्ध बीज मिलने में, अच्छी मात्रा में बीज मिलने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा भविष्य के अंदर। तो आय भी बढ़ाने का साधन बनेगा सर कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जब ये पौधे तैयार करेंगे तो कोई भी, जैसे मान लीजिए एक गांव के अंदर एक किसान उसकी जिम्मेदारी ले सकता है, जिसके पास कुछ साधन है वो उसकी जिम्मेदारी ले सकता है और पौधे तैयार करके पूरे गाँव में वहाँ से वो सप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से एक व्यवसाय के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। यदि किसी गांव में ज़्यादा क्षेत्रफल है तो एक से ज़्यादा भी किसान उस काम को कर सकते हैं। आय बढ़ेगी, किसानों के लिए आसानी होगी, बीज उठा के नहीं ले जाना पड़ेगा। जो काम 35 क्विंटल में हो रहा है वो 5 से 6 क्विंटल के अंदर हो जाता है। जैसे ये बच गया, जनरली क्या होता है इसको छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये पूरी का दोनों तरफ से इसकी आँख निकाल के पौधा बनाने में यूज हो गया, तो बीच का पोर्शन जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, गंदगी और फैलाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये जो बीच का पूरी का टुकड़ा है आँख निकालने के बाद, उसको या तो ऐसे के ऐसे बेच दे यदि किसी को चाहिए तो, अदरवाइज इसको क्रश करके जूस निकाल के उसको उस जूस से जो है गुड़ या शक्कर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कहाँ पर सर वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, इतने ज़्यादा स्केल पे नहीं है, यहीं जो आसपास के लोग हैं मॉडल टाउन के ही बहुत आ जाते हैं, उन्हीं को बेचने के लिए पूरा है। लार्ज स्केल पे नहीं है, स्मॉल स्केल पे इसी साल शुरुआत की गई है इस पर, ताकि ये वेस्ट नहीं हो। अब या तो पड़ा रहेगा तो गंदा भी लगेगा, मान लीजिए कहीं कोने उने में पड़ा है तो देखने में थोड़े दिन बाद में इसमें बदबू भी आने लगेगी, तो वो सब सफाई भी हो गई आपकी, ऊपर से इनकम भी जनरेट हो रही है कुछ ना कुछ उसका, तो चल जाएगा। तो इसको गुड़ बनाने के प्रक्रिया को फिर लार्ज स्केल पे हम सोचेंगे अगले साल इसको कैसे बढ़ाया जा सकते हैं, आम लोगों तक भी पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, आम लोगों तक पहुँचने के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बढ़ाएंगे क्योंकि उससे फ़ायदा है, शुद्ध प्रोडक्ट मिलना आजकल, अदरवाइज़ तो आप मार्केट में देखते होंगे बिल्कुल सफ़ेद जैसे रंग का गुड़िया शक्कर मिलती है। इसका मतलब ये है कि जितना वो सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है उतना ही ज़्यादा केमिकल उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो गुड़ शक्कर जितना थोड़ा सा वैसे ही रहेगा। तो केमिकल ये की पहचान क्या है सर? तो पहचान तो नहीं कह सकते क्योंकि उसके कई फैक्टर है, वैरायटी टू वैरायटी भी वेरी करता है कि गन्ने का वो गुड़ बनाने में कैसा रंग होगा, वैरायटी का भी रोल है। और उसके बाद फिर केमिकल कितना डालते हैं, मान लीजिए कोई क्लेम कर दे कि अच्छी वैरायटी जिसमें अच्छे कम रंग का गुड़ बनता है और उसमें हम कह दें कि तो कि इसमें केमिकल ज़्यादा यूज किया, तो सच्चाई नहीं है। परंतु ये है कि जितना ये श्योर है कि जितना सफ़ेदी की तरफ या बिल्कुल लाइट येलो का होगा उसका मतलब ये है कि उसमें केमिकल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।